हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे केएल राहुल और लखनऊ सुपर जायंट के बीच चल रहे विवाद के बारे में। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। केएल राहुल और एलएसजी के बीच नहीं चल रहा कुछ ठीक। पिछले साल मालिक संग हुए झगड़े का आईपीएल 2025 में पड़ेगा असर। आईपीएल 2025 ऑक्शन से पहले टीम के कप्तान केएल राहुल को रिलीज करने का फैसला कर सकती है। राहुल, जिन्होंने 2022 से लेकर 2024 तक कुल 3 साल टीम की कप्तानी की, उन्हें अगले साल सीजन से किसी और जर्सी में देखा जा सकता है। केएल राहुल की कप्तानी में एलएसजी टीम एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई है। केएल राहुल ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी आईपीएल के पहले 3 सीजन में की थी, लेकिन वह बतौर कप्तान टीम को खिताब नहीं जीता सके। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक टीम मैनेजमेंट उनके स्ट्राइक रेट से खुश नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार नए मेंटर जहीर खान और कोच जस्टिन लेंगर ने राहुल के आंकड़ों पर जोर डाला, जिसमें ये सामने आया कि जिन मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा, वहां राहुल ने बैटिंग करते हुए काफ़ी धीमी गति से बल्लेबाजी की, जिसके बाद फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज करने का मन बना लिया है। एलएसजी और केएल राहुल के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है और एलएसजी उन्हें जल्दी ही रिलीज कर देगी। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।